Hello guys, this is Manshu Rathore and welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing well. In today's video, I am going to show you 5 outfits for college going girls that fit the budget, fit the dress code, look good and also very comfortable. And also I will tell you some tips and tricks with you guys. You can use them and you can also create your own outfit by using my tips. So without wasting any time, let's get into the video. Here is the first outfit, black on black. One of my favorite outfit is black on black. So जैसा कि हम सबके wardrobe में एक black jeans होती ही है, right? अगर नहीं है तो आई थिंक होनी चाहिए हम सबके वार्डरोब में एक ब्लैक जींस, बिकॉज ब्लैक जींस इज समथिंग लाइक वर्सेटाइल, जिसे हम वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न सभी लुक्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ मैं ब्लैक कलर की जींस के साथ में वी नेक की टी शर्ट का यूज़ कर रही हूँ और इस लुक को कम्प्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पर बूट्स को पेयरअप किया है और एक्सेसरीज़ में मैंने सिल्वर कलर की एक्सेसरीज़ का यूज़ किया है. मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की जींस एंड टी शर्ट का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ब्लैक कलर की जींस और टी शर्ट जो डार्कर शेड्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एक स्लिमिंग इफेक्ट देते हैं और वी नेक की जो टी शर्ट्स होती है वो इंसान की अपर बॉडी को बैलेंस आउट अच्छे से करती है, जिससे हम और ज़्यादा स्लिम और टॉलर नज़र आते. सो ब्लैक ऑन ब्लैक इज समथिंग लाइक दैट विच नेवर गोज आउट ऑफ ट्रेंड. ये लुक डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये ना कि कॉलेज के लिए ही परफेक्ट है बल्कि आप इसे वर्क प्लेस में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पार्टीज के लिए यूज़ कर सकते हैं. डेफिनेटली ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लुक क्रिएट करने वाला है. सो द नेक्स्ट लुक इज वाइट शर्ट विथ ब्लू जींस. तो सेकेंड लुक में मैंने डार्क ब्लू जींस को एक व्हाइट शर्ट के साथ में पेयर अप किया है. आप यहाँ पे व्हाइट टी शर्ट या फिर टॉप यूज कर सकते हैं और इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन एक्सेसरीज का यूज किया है विद ब्लैक शूज. तो इस लुक के अंदर मैंने डार्क कलर की ब्लू हाई वेस्टेड जींस का यूज किया है जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है. ऐसी हाई वेस्टेड जींस के साथ में आपको बॉडी शेमिंग जैसे इश्यूज को फेस नहीं करना पड़ता है और आप हाई वेस्टेड जींस के साथ में किसी भी क्रॉप टॉप को पेयर कर सकते हैं. नंबर थर्ड, ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेसेस. सच अ प्रिटी ड्रेसेस, डोंट यू थिंक? अगर आपकी ओवर ग्लास शेप है तो आपको इस तरह की ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेसेस डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए क्योंकि इस तरह की ड्रेसेस में आपके बॉडी के कर्व्स बहुत ही अच्छे तरह से शो होते हैं. और यहाँ पे मैंने इस ब्लैक ड्रेस को न्यूड पिंक पंप्स के साथ में पेयर किया है और इस लुक को कम्प्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ओवर साइज बेल्ट का यूज किया है और इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है, ये आपकी वेस्ट लाइन को एक परफेक्ट लुक देता है. तो हेयर इज द फर्स्ट स्टाइलिंग टिप इज इन दिस लुक, प्लीज डोंट यूज फ्लैट्स एंड स्लीपर्स. और अगर आप यहाँ पे हील्स के साथ में कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ पे व्हाइट कलर के स्नीकर शूज यूज कर सकते हैं रेदर देन यूजिंग फ्लैट. दिस इज द परफेक्ट लुक फॉर नाइट पार्टीज एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. एंड द नंबर फोर इज white t-shirt with slouchy baggy jeans. As we all know, mom jeans and baggy jeans are so comfortable and recently I'm obsessed with them. जैसा कि हम सबको पता है कि baggy jeans already loose fitting में होती है तो हम सब लोगों के दिमाग में एक misconception होता है कि ऐसी टाइप की जींस को हमेशा एक फिटिंग वाले क्रॉप टॉप के साथ में या फिर फिटिंग वाले टॉप्स के साथ में ही वेयर करना चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसे किसी भी वाइट टी शर्ट या फिर किसी भी लूज फिटिंग वाली टी शर्ट के साथ में वेयर कर सकते. इन दिस लुक आई एम ऑल्सो एडिंग सम ज्वेलरी लाइक इयर रिंग्स एंड पेयरिंग विद ए सिंपल ब्लैक वेजेस. यू नो वॉट गाइज, कॉलेज टाइम में आई यूज टू एक्सपेरिमेंट लाइक दिस. मैं कुछ भी उठा के किसी के साथ में भी पेयरअप करती थी और वो लाइक बहुत ही ज़्यादा कूल नज़र आता था. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे इसी फील्ड में काम करना चाहिए और मैं अभी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट अपने क्लोथ्स के साथ में करती रहती हूँ. तो आपको भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट अपने क्लोथ्स के साथ में करते रहना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे ही लगने वाले हैं. ये जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप इस लुक को कहीं पे भी ट्राई कर सकते हैं. आप इसे शॉपिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं. इवन ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट वाला लुक है. नंबर 5, पिंक टॉप विथ प्लाजो पैंट. इन दिस लुक आई एम स्टाइलिंग ए प्लाजो पैंट विथ ए पिंक क्रॉप टॉप. जैसा कि अभी समर्स स्टार्ट होने वाले हैं और समर्स में हमारे पास में एक प्लाजो पैंट होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपके पास में नहीं है ना तो अभी जाके जल्दी से खरीद लो, यू विल डेफिनेटली लुक अमेजिंग एंड यू आर गुड टू गो. सो हेयर इज द स्टाइलिंग टिप नंबर 2, मेकअप एंड हेयर.
मेकअप एंड हेयर कैन कम्प्लीटली चेंज योर आउटफिट फ्रॉम 1 to 10। टिप नंबर 3 इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वे दैट यू कैन इंस्टेंटली लुक स्लिमर बाय यूजिंग ए डार्क कलर। सो मैंने इस वीडियो में जितने भी आउटफिट क्रिएट किए हैं उन सबकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। एंड प्लीज़ ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड माई डियर ब्यूटीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।